नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। प्रदेश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए शहीद हुए थे, उन्हें हर साल 21 अक्टूबर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, जिसके तहत आज गुना में भी लाल परेड ग्राउंड पर शहीद हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर गुना SP, गुना CSP, DSP सहित पुलिस अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने और आपका प्रदेश कैसा हो, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत मेरा सुझाव मेरा चुनाव कार्यक्रम का आयोजन आज शास्त्री पार्क में किया गया, जिसका भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर वरिष्ठ नेताओं का संदेश सुनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राधेश्याम पारिक ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयासरत हैं और आने वाला समय मध्य प्रदेश समृद्ध हो और आपकी राय में मध्य प्रदेश कैसा हो, इस हेतु प्रबुद्ध वर्ग की राय को शामिल करने भाजपा द्वारा मेरा सुझाव मेरा चुनाव कार्यक्रम का आयोजन पूरे जिले की चारों विधानसभाओं में एक साथ एक समय पर शुरू किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित कर उनसे सुझाव लिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन युवाओं एवं महिलाओं ने अपने सुझाव दिए। वहीं गुना विधानसभा कार्यक्रम में गुना विधायक पन्नालाल शाह के काफी देर से पहुंचे। पूर्व मंत्री KL अग्रवाल, वरिष्ठ नेता चंचल जैन, जिला उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, आलोक विजयवर्गीय, महामंत्री गजेंद्र सिकरवार, अशोक शर्मा, गिरिराज भार्गव, जिला मंत्री महेंद्र सिंह करार, संतोष धाकड़, अनुसूचित जाति प्रदेश मंत्री रमेश मालवीय, विधानसभा प्रभारी विकास जैन नखराली, सतीश अरोरा, मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा, प्रदीप भट्ट, रमाकांत चौबे, संतोष श्रीवास्तव, भूपेंद्र सिंह, सह प्रभारी गोपाल मंगवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तराखार से रामदयाल उइके, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर से अच्युत पांडे, बिलासपुर लाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, अगलतरा से सौरभ सिंह। और चलिए शुरू करते हैं 79 जिले 79। छत्तीसगढ़ के लिए BJP ने पहली लिस्ट जारी की। 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, 14 सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारे। केदारनाथ सेवा मंडल के नाम से शुरू की गई गरीबों के लिए भोजन की योजना, आज रेलवे स्टेशन रोड पर गरीबों को केदारनाथ धाम सेवा मंडल के द्वारा निशुल्क भोजन कराया गया। इस मौके पर सेवा मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्पेशल जो है दाल वापसी का कार्यक्रम लगाया है सभी लोगों के लिए, उन्हें सबको आमंत्रण भी किया गया है, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए तो ये भोजन सब काम। अपने ननिहाल जा रही मासूम बच्ची की हुई एक्सीडेंट में मौत। नानाखेड़ी से लटेरी अपने मामा के साथ जा रही मासूम की छिपौन के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई। बताया जाता है कि रास्ते में रुककर मासूम दुकान से कुछ खरीद रही थी, रोड पार करते समय ट्रक द्वारा मासूम को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे जिला के चिकित्सालय लाया गया। बताया जाता है कि मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
बात तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? म्यांमार जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? घर से मिलने का उम्र कितनी थी बच्ची की? 8 साल। सपाक्स ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। आज सपाक्स द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता आगामी चुनाव में सपाक्स के द्वारा 230 सीटों पर चुनाव लड़ने संबंधित आयोजित की गई थी। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में भी बताया। सर्वधर्म समभाव, सर्वजनता, हम सब में समानता देखना चाहते हैं, सबका हित देखना चाहते हैं, सामाजिक समरसता चाहते हैं कि आपस में हमारी समरसता बनी रहे। समाज का तना बाना हिंदुस्तान का ऐसा है, सदियों से चला आ रहा है। हम गांव में शहरों में फ्रेंड से रहते हैं, हम चाहते हैं ऐसे कानून कायदे खत्म हो जो हमारे फ्रेंड को हमारे समरसता को तोड़े। कैंडिडेट के लिए वही क्राइटेरिया है कि हमारे मुद्दों से सहमत हो और जिसका स्थानीय समाज तय करे, हम तय नहीं करेंगे। जो लोकल लोग कमेटी है, लोकल डिफरेंट समाज है, वो तय करते हैं कि हमारा कैंडिडेट है, आप उसको टिकट दीजिए, लड़ाइए, वही हमारा उम्मीदवार। ने ये कहा कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे और सरकार सुप्रीम कोर्ट में। उसी समय उन्होंने अदालत के सम्मेलन में ये भी कहा कि कोई भी माई का लाभ पदोन्नति में आरक्षण नहीं। उनके इस चैलेंज के दूसरे दिन सपा जो बोलचाल की भाषा में आता है, ये इतनी सामान्य पिछड़ा हुआ वर्ग के कल्याण का एक संगठन उसको में तैयार हुआ, जिसको समाज का नाम दिया गया, सामाजिक संगठन है। तो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन एक अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस लड़ रहा है, उनकी लड़ाई केवल पदोन्नति में आरक्षण। समाज का जब गठन हुआ तो इनकी लड़ाई सभी सामाजिक मुद्दों को लेकर हुई और इस संगठन ने सभी सामाजिक मुद्दों को उठाया। आरक्षण में जितनी विकृतियां आ गई है, दोष आ गई है, उसमें सुधार करो और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया। दोष क्या है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया वही परिवार अच्छात्मक रूप से वो अच्छे स्टेटस पर दिया, उनका बच्चों को अच्छे शिक्षा दी, कोचिंग कराई। अब नौकरियों में ये हो रहा है कि 85% नौकरियां उन्हीं परिवार को जा रही है जो ऑलरेडी परिवार अपग्रेड हो गए हैं या ऊपर हो गए हैं। बड़े अधिकारियों के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बड़े नेताओं के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी चाहे योजनाएं हों, कोई भी चीज हो, हर योजनाओं में लाभ वही लोग उठा रहे हैं। पेट्रोल पंप किसी को मिल गया, परिवार अपग्रेड हो गया, वो इंडस्ट्री खोल रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किया गया शस्त्र पूजन। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सामूहिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही शस्त्र पूजा के बाद सभी ने जुलूस भी निकाला जो शहर के प्रमुख मार्गो से होता हुआ निकला। जब रामायण काल की हम बात करते हैं तो राम जी ने भी शक्ति की साधना की, शस्त्रों का संघान किया, ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उसी के आधार पर उस समय की जो महाशक्ति था रावण, उसका भी विध्वंस किया, संघार किया और उसका जो कुल था, ऐसा कहा जाता है कि रावण के कुल में 1,00,000 से ज्यादा उसके कुटुंब भी थे। उन सबका संघार भगवान राम ने इसी शास्त्रों के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर। रविंद्र जी और समस्त कार्यकर्ता बंधु, जैसा कि आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं, संपूर्ण भारत में हर वर्ष शक्ति की आराधना का पर्व जो संपूर्ण हिंदू समाज मनाता आ रहा है, उसको गति देने के लिए
विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण भारत में शक्ति की आराधना का पर्व शस्त्र पूजन के माध्यम से मनाता है। क्यों? क्योंकि विगत 100 वर्षों में भारत में इस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए कि हिंदू समाज को शक्ति विहीन करने के षड्यंत्र भारत में चलाए गए। जो भारत शक्ति की आराधना करता था उसको चरखा चलाने की सीख दी गई। क्या भारत में कभी चरखे चलाए गए? जो राजा महाराजा तलवार चलाते थे उनको क्या चलाने की बात कही गई? कि चरखे चलाइए, कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ना कि ये कहा था कि एक चरखा तुम लो एक मैं चलाऊंगा। कहा था क्या? तालाब में डूबी दो बच्चियों के शव हुए बरामद। कैंट थाना क्षेत्र के तहत पिपरौदा कला गांव के मोहरी तालाब में शनिवार सुबह डूबी बच्चियों के रविवार दोपहर 3 बजे शव मिले। हालांकि रेस्क्यू चलता रहा लेकिन आज बच्चियों के शव नदी के ऊपर आ गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जा जा फटाफट, जूते पहने जा रहे हो क्या? क्यों पहने, कैसे जाओगे? साथ में मिलेंगे। अरे उनने फोन ना देख दिया। डीजीएनएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।